अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान में बनने वाली 8 वेब सीरीज। इन वेब सीरीज ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी तहलका मचा रखा है। और वीडियो शुरू करते हैं इससे पहले, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें नई वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले नंबर 1 पर है चुड़ैल्स। ये ऐसी वेब सीरीज है जो इंडिया में बेहद मकबूल हुई और इसे बार बार दिखाया गया। इसे आसिम अब्बास ने लिखा है और खुद ही इसे डायरेक्ट किया है। ये वेब सीरीज 4 खवातीन के बारे में है जो कराची में रहती हैं और अपने बेवफा शौहरों और हवस के पुजारी लोगों को बेनकाब करती हैं। इसके अलावा कई और सोशल इश्यूज को भी इस वेब सीरीज में हाईलाइट किया गया है। ये एक क्रिमिनल और सस्पेंस से भरपूर सीरीज है जिसको Z5 और जिंदगी पर ऑन एयर किया गया। नंबर 7 पर है कातिल हसीनाओं के नाम। ये भी एक बड़ी पाकिस्तानी वेब सीरीज है जिसे पाकिस्तान में तो नहीं दिखाया गया, इंडियन स्ट्रीमिंग चैनल Z5 और जिंदगी पर दिखाया गया। ये सीरीज अपनी मुनफरिद स्टोरी की वजह से बहुत मशहूर हुई और इस सीरीज में राबिया चौधरी, सनम सईद, सरवत गिलानी, ईमान सुलेमान और फायजा गिलानी ने मरकजी किरदार अदा किए। इनके अलावा अहसन खान, उस्मान खालिद भट्ट, शहरयार मुनव्वर और असद सदीकी भी इसमें शामिल थे। इस सीरीज की कहानी चंद ऐसी खवातीन के बारे में जो माशरे की सताई हुई होती हैं और अपना इंतकाम लेने के लिए बागी बन जाती हैं। नंबर 6 पर है इंडिया में होने वाले हकीकी वाक्य पर बनाई जाने वाली एक बड़ी वेब सीरीज सेवक। ये एक एक्शन और थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज है। 1984 में इंडिया में एक वाक्य हुआ जब सिख बरादरी अपने हक के लिए खड़ी हुई और इन पर जुल्म की इंतहा की गई। इस वेब सीरीज को बीगुल ने लिखा है, अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया है और मेन कास्ट में हाजरा यामीन, मोहसिन अब्बास, हैदर नैयर, एजाज अदनान, जाफर और नूरुल हसन शामिल थे। ये वेब सीरीज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल विडली पर ऑन एयर हुई। नंबर 5 पर है एक म्यूजिकल रोमांटिक वेब सीरीज अनाया। इस वेब सीरीज को वजाहत राउफ ने लिखा और खुद ही उन्होंने इसे डायरेक्ट किया। ये सीरीज अपनी स्टोरी के लिहाज से काफी मकबूल रही। इस सीरीज के मेन कास्ट में महविश हयात, असफर रहमान, रुबाब अहसन, फरियाल महमूद, असद सदीकी और गुले राना शामिल थे। ये कहानी है एक म्यूजिकल बैंड बनाने वाले चंद यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स की जो शुरू में काफी मुश्किल का सामना करते हैं। ये सीरीज इंडियन स्ट्रीमिंग चैनल एरोज 9 पर ऑन एयर हुई। नंबर 4 पर है पाकिस्तान की एक और बड़ी वेब सीरीज जो अपनी कहानी की वजह से बेहद मकबूल हुई। ये स्पोर्ट्स पर बेस्ड एक कहानी है जिसमें एक छोटे शहर का एक नौजवान दिखाया गया है जो क्रिकेट का जुनूनी होता है और इसका इंतखाब क्रिकेट की बड़ी टीम में हो जाता है। उसे काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इस सीरीज में यूट्यूबर शाहमीर जाफरी, दानियाल जफर, खाकान शाहनवाज और किंजा हाशमी ने मरकजी किरदार अदा किए। ये सीरीज OTT प्लेटफॉर्म एम्पियर टीवी पर ऑन एयर हुई। बाद में ये एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर भी दिखाई गई। नंबर 3 पर है वेब सीरीज मिस्टर एंड मिसेस शमीम। पाकिस्तान की एक मेगा वेब सीरीज जिसकी ना सिर्फ स्टोरी कमाल की थी बल्कि इसमें कई बड़े सोशल इश्यूज को भी बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो बजाहर तो मर्द नजर आता है लेकिन हरकतें उसकी औरतों की तरह करता है, जिसकी वजह से लोगों में काफी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। इस वेब सीरीज में नमान एजाज और सबा कमर ने मरकजी किरदार अदा किए। इनकी आउटस्टैंडिंग अदाकारी को बहुत ज्यादा सराहा गया। इसमें साजी गुल ने इसकी कहानी लिखी और काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया और OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर ये इंडियन चैनल जिंदगी पर भी ऑन एयर हुई। नंबर 2 पर है मेरे दोस्त मेरी यार। ये एक रोमांस से भरपूर वेब सीरीज है। ये एक म्यूजिकल वेब सीरीज भी है। ये कॉलेज के फ्रेंड्स के एक ट्रायंगल पर बनाई गई है। ये वेब सीरीज इतनी हिट हुई कि इसका Part 2 भी आया। अहमद रजा फिरदौसी ने इसको लिखा और महरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया। आसिम अजहर, सायरा यूसुफ, हमजा तारिक जमील और मरियम मिर्जा बिलाल सईद इसकी फर्स्ट वेब सीरीज में शामिल थे और दूसरे सीजन में हानिया आमिर, आसिम अजहर, मरियम नफीस, असद सदीकी और उसामा खान शामिल थे। ये एक बहुत अच्छी पाकिस्तानी वेब सीरीज थी जिसे ज़रूर देखना चाहिए। और नंबर 1 पर है पिंक शर्ट। ये एक और बड़ी पाकिस्तानी वेब सीरीज है। इस सीरीज में कहानी
सोनिया और उमर के गिर्द घूमती है, जो अपने साथियों सुमैर और सारा से धोखा खाते हैं और उनके बाद एक होते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। इस सीरीज की कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस सीरीज में सजल अली और वहाज अली ने काम किया है और इनका काम बहुत ही ज़बरदस्त है। इस सीरीज को भी पाकिस्तान में नहीं दिखाया गया और ये इंडियन चैनल Z5 पर और ज़िंदगी पर दिखाई गई। तो ये थी वो 8 वेब सीरीज जो कि पाकिस्तान में बनी और पाकिस्तानी चैनल्स पर तो कम दिखाई गई, लेकिन इनको पज़ीराई जो है वो इंडियन चैनल्स पर बहुत ज़्यादा मिली। इसलिए ये रिकमेंड करते हैं कि ये वेब सीरीज ज़रूर देखें और बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इनमें से अगर कोई वेब सीरीज देख चुके हैं तो वो कौन सी देखी और कैसी लगी, और अगर देखना चाहें तो कौन सी देखना पसंद करेंगे। जुड़े रहें फैंटास्टिक हब के साथ इसी तरह की फैंटास्टिक वीडियोज़ के लिए।